हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। सो ओसीएस एग्जाम सरला, आंसर की ऑलरेडी शेयर कर सारी से गोटे आई थिंक छाड़ी थी आ गोटे क्वेश्चन रो जो आंसर रंग अच्छे मुझे एवं करदेवि। आराम से पूरा बस, आराम से देख एवं एक्सप्लेनेशन सब क्वेश्चन रो डाउट क्लियर हो क्वेश्चन आंसर एटा कौन पाई ना एटा कौन पाई। ओके सब गुड़ाक मुझे बुझेदेवि। तो मैथ्स एंड रिजनिंग रो सब क्वेश्चन अभी डिस्कस करिवा, राइट। एटा खाली ओडिशा सिविल सर्विस पिलांगो पाई नहीं, जो माने डिफरेंट एग्जाम पाई भी प्रिपेयर करछो तो मानको पाई भी बेनिफिशियल, काई ना ए टाइप रो क्वेश्चन तो माने जानिबा निहाती दरकार। क्वेश्चन नंबर 1 रो 5 को जिबा लास्ट को, काई ना आगो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन उडा कर दबा। एटा टिके एक्सप्लेनेशन वाला अछि, आसीबा एटा को आसीबा सब करे देबे हला। तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 रो जिबा, राइट। आई थिंक 6 रो आंसर देइ नथली, मते लॉजिक मिल नथले, बट के जने आंसर करथले थैंक्स टू हर। देख ये दिया है कि 43 12, से कौन सर 4 × 3 है कि 12 है, बहुत ही सहज अच्छी। 8 × 4 है कि 32 है, तो आंसर 32 है, ठीक अच्छे, बहुत सहज थी। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रूट फ्लावर स्टेम गोटे ट्री रो तेणु लीफ है आंसर, ऑप्शन बी। एटा को एक्सप्लेन कर किसी आवश्यक ना। चिता लायन टाइगर वाला कार्निवर से भी एक्सप्लेन कर दरकार नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को जी, यू कैन सी द फिगर हियर अल्सो मु बने थी। देखो एक्स टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, राइट। सो राज एक्स रु वाई गला 80, राइट, 80 गला। तापर से कहूँ हि टर्न राइट, राइट मीन्स क्लॉक वाइज ऑलवेज, तो राइट मारला आ 50 गला। अगेन टर्न राइट, तो आउ थ राइट मैंने पुणी क्लॉक वाइज 70 गला, 70 मैंने 80 रु कम, राइट। फाइनली हि टर्न राइट एंड वॉक 50 राइट मैंने क्लॉक वाइज, तो 50 एटा जो 50 एटा भी 50 हम, तेल एठू इतनी 70 एटा 70 जी एटा 10, तो आंसर कौन हो पचार हाउ फर इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट विल बी 10 meters इज द आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 10 ब्लड रिलेशन क्वेश्चन टा देख आसो क्वेश्चन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, गोटे फोटोग्राफ को देखिए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड सी सी मीन्स द फोटोग्राफ इज द ग्रैंड डॉटर, तेल फोटोग्राफ गोटे ग्रैंड डॉटर। ओके इतनी पर्यटन रही जाओ। तापर ऑफ कहार ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, विल स्टार्ट विथ माय फादर, राइट। अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, तो अ पर्सन पर्सन रो फादर, पर्सन रो फादर हैला, पर्सन रो फादर, ठीक अच्छे। माय फादर ता पछुक आस एल्डर ब्रदर, तो फादर रो ब्रदर, फादर रो ब्रदर, बुझी पार्छ, तो एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, तो पर्सन रो फादर रो एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर रो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर नॉर्मली पुओ रो पुओ रो झी, राइट, पुओ हो झी हो, राइट। सो ये पछु हाउ इज द गर्ल, माने एटा होची फोटोग्राफ, ठीक अच्छे। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन, तो देखो ऊपर जेनेसन सिस्टर हबार ना तुम्हें जान, पर्सन रिलेटेड टू दिस मैन, कही दिस मैन पर्सन इज अ मैन, राइट। सो पुओटा तेणु सी पचार तेणु आंट तो हम नहीं। ओके जस्ट सेकेंड, मुझ पर्सन मैन वुमेन किसी भी कम ना, झीर रिलेसन पचार टू दिस, यहाँ तल जेनेसन, तल जेनेसन नर्माली कौन आसे मिस आंसर, आउ तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन है ना, मुझे यहाँ कहवाक चाहूँगी से। ओके 10 नंबर, चलो 11th क्वेश्चन, 11th रू 15th बहुत ही सहज क्वेश्चन है। देख रिजनिंग क्वेश्चन टाटा, सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज, मुझे कॉलेज प्रोफेसर्स, ट्राइंगलटा रिप्रेजेंट कर सर्जिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ रेक्टांगलटा। फर्स्ट पचार बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो बी खाली रेक्टांगल अच्छे कौटि भी ना, तो बी खाली रेक्टांगल अच्छे मैंने बी मेडिकल स्पेशलिस्ट हम, तो प्रोफेसर गला, प्रोफेसर गला, प्रोफेसर गला, आंसर गोटे ही मात्र बच्चे ऑप्शन मेडिकल स्पेशलिस्ट हु आर नाइदर प्रोफेसर नॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तो आंसर विल बी मेडिकल स्पेशलिस्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट कॉलेज प्रोफेसर हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट, कॉलेज प्रोफेसर सीपी आउ एमएस, सीपी आउ एमएस माने सर्कल ले भी थिबो आउ तुमर कौटा रेक्टांगल भी थिबो, तो किए एक्स एक्स ना, तो आंसर इज एक्स, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट कॉलेज प्रोफेसर्स हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर, तो कॉलेज प्रोफेसर सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, तो सर्जिकल स्पेशल ट्राइंगल भी थे, कॉलेज प्रोफेसर भी थे, आउ कौटी नथिले भल, तेणु ऑप्शन डी माने डी है जो आंसर, तेणु नॉट कहीनि फिर भी तुम पढ़ जितने सेमती, राइट, तो ऑप्शन डी हूँ डी आंसर है। सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर है नथिबे, तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट है बट प्रोफेसर है नथिबे, तो कौन जेड जेड देखा ना,
तो जेड इज द आंसर, तो आंसर है जो जेड, ओके। एंड यार लास्ट क्वेश्चन, सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, सी हो जी हमारा सर्जिकल स्पेशलिस्ट, देखो सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, खाली सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तो आंसर विल बी ओके, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आई थिंक एति पर्यंत क्लियर समझतो को, ठीक है नेक्स्ट को जीवा। हाँ अरेंजमेंट टा बहुत ही सहज थी, आई थिंक एक थर के क्वेश्चन बनी जाइए, वेट भी तुम मैंने देखी पार्थ, मुझ भी बनई आउ थे कहीदे। देख गोटे सर्कल टे अच्छी, सर्कल में सात जन बस, सात जन समस्ते फेसींग इन सैड्स कही, राइट जी सेकेंड टू द लेफ्ट अफ सी कही, वेल स्टार्ट विथ सी, सी री जी सेकेंड लेफ्ट, तो जी सेकेंड लेफ्ट मैंने जी एटी बस, जी एटी बस मैंने तीन जन आत बस, चार जन ये बस, ठीक अच्छे। सी हु इज द इमिडियट लेफ्ट अफ एफ, ताल सी हूँ इमिडियट लेफ्ट अफ एफ, ताल एफ ये बस, एफ रेफ्ट सी बस। नाउ नेक्स्ट टू नेक्स्ट थ्री लाइन, सॉरी नेक्स्ट टू लाइन्स, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई कही, देखो जगह बहुत सारा अच्छी बट देखा पड़ो टे, देख अच्छा ये देख ये तो पाखापाखी तो बस पारे के निहाती ए बसु ना इ बसु एमती बटर जब पड़ो डी एंड इ बिटवीन बी बस ताले मत इ को बाहर को बस पड़ो ए को ये बस पड़ो ए इज थर्ड लेफ्ट अफ इले जदि ये बसला एक दुई तीन आपर कौन कह इज इन बिटवीन डी एंड ई तो डी ये बसगला बी ये बसगला बहुत ही सहज था है ना तो या बेसीस क्वेश्चन अच्छा ये भी बहुत जन डाउट था आई थिंक कमेंट सेक्शन में आ फर्स्ट पर्सन मैंने कौन ओके अच्छा यही तरह ना आई थिंक डिजिटल थी ओके विच द फॉलोइंग इज द मिडिल पर्सन दिस मिडिल पर्सन सिटिंग इन बिटवीन टू सी कौन एफ इ भितर बस कि ना एफ कौन इ बी भितर बस कि ना तो ई कौन डी बी भितर बस कि ई कौन डी बी भितर ना तो आंसर है जो नन ऑफ दिस ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज द पोजिशन अफ एफ फोर्थ टू द रईट अफ डी देखो एफ फोर्थ टू द रईट ई जब एम बस यार रईट मैंने पट्टा रईट हे रईट मैंने एक दुई तीन चार आंसर है तुम ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट अठर नंबर फॉल्स पचार मैंने कौटा एफ इज थर्ड टू द रईट अफ डी एफ इज थर्ड टू द रईट अफ डी अलरेडी थर्ड लेफ्ट एटा कहीं डी रहा थर्ड लेफ्ट साइड तो यहाँ भूल देती तेनाली आंसर होमर ऑप्शन सी। उन्नीस नंबर फॉलोइंग ट्रू पचार एज टू द इमिडियट रईट अफ जी देख एज टू द इमिडियट रईट अफ जी जी रमिडियट रईट रही बस ठीक अच्छे। एंड नेक्स्ट द फर्स्ट पर्सन मैंने फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमिडियट लेफ्ट अफ मैंने इ रमिडियट लेफ्ट बी बस कि तो आम जी रमिडियट लेफ्ट री बस देखिदि जी री एमती जी रमिडियट लेफ्ट मैंने लेफ्ट एटा तार इमिडियट लेफ्ट डी बस तो आंसर कौन हो यार तो आंसर है ऑप्शन डी। आई होप ये पर्यटन क्लीयर समस्त। नेक्स्ट मैथ्स क्वेश्चन स्टार्ट होती आई थिंक टी ब्लड थी एडजस्ट कर अच्छा ये सल्व करवा यही जगह जगह अच्छे ओके सी कही द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एमंग द फॉलोइंग विच इज एक्जाक्टली डिविजिबल बै चबीस पंद्रह छत्तीस चबीस पंद्रह छत्तीस एलसीएम नहीं जाए एलसीएम के तीन सौ षाठी को डिवाइड कर कौटी ए छा न ग्रेटेस्ट नंबर किए छा न बस जी रिमाइंडर तक माइनस करदेव रिमाइंडर हो तुम्हारा कते रिमाइंडर 279 तो माइनस करदे तुम आसवाटा ओके ये 22 नंबर क्वेश्चन टा तरबर में भूल कर दीजिए तो 22 नंबर टार आंसर टी चेक कर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी कहीं देख एक्स वाई जेड दे एक्स वाई जेड प्लस थ्री तो एक्स वाई जेड प्लस थ्री मैंने सात पाँच पैंतीस थी शहे पाँच शहे पाँच तीन आड कले कहते शहे आठ शहे आठ इज ए कंपोजिट नंबर करेक्ट शहे पाँच रु चार माइनस कले शहे एक होती शहे एक इज अ प्राइम नंबर दिस इज अल्सो करेक्ट सो ये देखिए हो जाता कौन से भूल भाल होगा हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे एक्स इंटु वाई इंटु जेड भाभी देती तो सात इंटु पाँच इंटु तीन सात पाँच पैंतीस थी शहे पाँच जो बहुत इजी हो जाए ना पेपर से एमती प्रोब्लेम है तो ये शहे पाँच देखो ना पुणी लिखुच शहे पाँच यहाँ तुम सात पाँच बार दिन पंद्रह पंद्रह प्लस दस पचीस पचीस इज ए परफेक्ट स्क्वायर तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइस ओके। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच 750 शुड बी मल्टीप्लाइड यू कैन सी हियर मुटा को ये 750 को ब्रेक कर 75 इंटू 10 75 को प्राइम फैक्टराइजेशन कले 5 इंटू 3 इंटू 5 थे 15 5 75 5 इंटू 2 10 हो गला तो परफेक्ट क्यूब कही ना तीन तीनटा दरकार तो पाँच तो तुम तीन टा अलरेडी प्रेजेंट अच्छा तो तीन रुईटा दरकार आउ दुई रुईटा दरकार तो दुई रुईटा दरकार बास सरला तुम आड़ आंसर दुई दिन छत्ती बार दे छत्तीस तो आंसर इज ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट यू कैन सी दुई स्क्वायर चार पाँच स्क्वायर पाँच तीन स्क्वायर नौ आठ के भी आसपार नहीं ठीक अच्छे आठ के भी आसपार नहीं तीन के भी आसपार नहीं दुई के भी आसपार नहीं है ना एमती तुम जान तो बस ऐसा सात भी के आसबी ओके। नेक्स्ट यहाँ बढ़िया था ये मैंने बहुत ही सहज देख नॉर्मली डेसिमल को भूली जाओ खाली नंबर रूट बाहर करो नंबर रूट तुम्हें पाइज 243 टेक्निक तुम्हें जानते देख टेक्निक मुझे ये करी देख सो इट इज लाइक 49
तो 49 माने तुम्हें जो बार कर लो 9 9 आमर 3 आउ 7 रहसे याटो छोटो स्क्वायर नंबर किए 24 24 रो केते 576 24 हे गला एटा ट्रिक टा पिले मु करै छी हां तो तुम्हें जानि पाले कि 243 ना ऑप्शन सब बड़े 243 होची तापर तुम्हें 24 × 25 करता तो टेक्निक हिसाब रे आ छोटो टा हि तंदा हमरो ओके तो तुम्हें जान लो डेसिमल पर केतरा डिजिट 3 3 6 8 टा डेसिमल रूट भीतर जदी 8 टा रूट बाहर केतरा हि जो 4 टा हि जो तो सिंपली गोटे जीरो पकई दी आंसर इज ऑप्शन ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू देखो एमती क्वेश्चन एक्चुअली आसवा कथा भल लगे बट क्वेश्चन बहुत सहज थी देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स वी नो दैट नेचुरल नंबर रे जीरो आसीगले होल नंबर तो सब नेचुरल नंबर होल नंबर भितर रहिबे नी कि तो आंसर इज ऑप्शन ए सिंपल दिला 27 नंबर देखो 27 नंबर दीजी एटा कौन माने इज नोन एज एटा तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो एटा तो तुम्हें जानी थो 28 नंबर क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली से टाइम रे ये बुझा पाला नहीं क्वेश्चन देख एमती हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 or 5 पूरा सिंपल देख देन फॉलोड बाय एन ऑड नंबर ए लिस्ट रे तापर गोटे ऑड नंबर थियो तापर गोटे इवन जमती 12 मोर ठीक अच्छे जे तापर ऑड अच्छी बट तापर इवन नहीं 12 को चेक कर दरकार नहीं 3 डिवाइड होता 19 तो चेक करनी 21 3 डिवाइड होपर गोटे ऑड अच्छी तापर इवन रहा दरकार तेना 21 भी हो पार नहीं बुझीपार तो एमती चेक कर 3 डिवाइड हो 25 3 डिवाइड हो 3 25 गोटे ऑड 18 गोटे इवन तो 3 गोटे आंसर हो गला 3 आमर गोटे काउंट है 3 हो गला ओके तापर 25 को चेक कले तापर ऑड दरकार ये हो पार नहीं 18 चेक कले 18 3 डिवाइड हो ऑड दरकार इवन दरकार यस एटा गोटे हो पड़ तो 3 हो गला 18 हो गला 18 देखो ना 3 और 5 डिवाइड देन फॉलोड बाय ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स एंड देन आल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर्स ओके नंबर्स नंबर बुझा पड़े बाय एन लिखा कथा बोधे ठीक अच्छे 35 को चेक करिए 35 इवेन अच्छे नहीं पार नहीं 20 चेक करानी 22 चेक करानी 21 ठीक अच्छे चेक करदे 21 हाँ 21 3 डिवाइड हो तो 21 हो गला गोटे तापर गोटे ऑड अच्छी तापर गोटे इवेन अच्छे ठीक अच्छे ता हिसाब से 45 नहीं चेक करानी 46 ऑड इवेन 46 नहीं डिवाइड होनी चेक करनी 47 चेक करनी 48 3 डिवाइड होची तापर गोटे 9 अच्छी तापर गोटे 50 अरे बाप रे एते सारा 48 भी है गला 48 हेले तो 3 डिवाइड होची 9 50 9 हेले तो हबनी 50 हेले भी हबनी ए हेले हबनी ए 54 भी होची अरे अरे कौन माने यार कांसेप्ट बुदे अलगा अच्छी आ एडा टिके रखि तो देखिबा पर है ना जदि कहीं कर तले एक्सप्लेन कर दियो ठीक अच्छे फॉलोड बाय ऑड नंबर्स एंड देन इवन नंबर्स ओके 3 डिवाइड हो गला ऑड इवन छाड़ छाड़ एटा पर देखिए कहीदेवि ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आराध्य रेयांस एंड अक्षित स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम राइट आराध्य कंप्लीट्स ये सेकंड आफ्टर व्हाट टाइम तो एलसीएम नहीं जीव एलसीएम नहीं कि तुम्हें आंसर बाहर कर तो एलसीएम आई थिंक तुम आस आराम से तुम एलसीएम केलसीएम मार 44 मिनट 12 सेकेंड हो एलसीएम के होता यार आई थिंक एटा 2200 समथिंग होता बोधे ठीक अच्छे एलसीएम यार अदा हो भूल बोले आज यहाँ देख दुई सात दुई आई थिंक यस 2772 सेकेंड राइट या को मिनिट्रे कन्वर्ट कर 60 डिवाइड कल 6 × 24 हो गला तापर पहुँचला के 240 मान 37 372 6 × 36 46 तो आंसर आसीगला नेक्स्ट लेट द पोजिशन अफ द फर्स्ट टू डिजिट्स ओके इन ईच नंबर रिवर्स तो रिवर्स कर दियो रिवर्स कर देले ठीक अच्छे रिवर्स हो जाए आउ लिखुनी तो रिवर्स है 3753 4 ओके सी कौन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट ये गोटे क्वेश्चन पचार गोटे पे सर फर्स्ट डिजिट मैंने कौ आड़ लेफ्ट आड़ ना राइट आड़ देख नॉर्मली तुम मैंने कन्फ्यूज कहीं हो फर्स्ट डिजिट कह तो मुझे लेफ्ट आड़ जी ना अलवेज वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट सो किसी जब मेनसन कर आई विल गो विथ लेफ्ट जमीन सिटिंग अरेजमेंट क्वेश्चन समटाइम्स दिए नहीं कौ आड़े फेस कर नॉर्मली आम फेसिंग इन साइड नहीं जाओ कहीं ना स्टार्ट कर बाय डिफॉल्ट है तो हाइएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट डिजिट आउ लोएस्ट नंबर फर्स्ट डिजिट डिफरेंस
तो हाइएस्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट 8 3 5 है जीवा आंसर ओके ठीक अच्छे तो सी कहते सर मैंने हाइएस्ट लोएस्ट रू फर्स्ट डिजिट जो चेक करेंगे आप लास्ट डिजिट को चेक करके नाई होगा हो तुम चेक कर दियो तुम है 30th हो गला 31st क्वेश्चन पाई चार्ट वाला क्वेश्चन गोटे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतनी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइज इन आईआर मार्केटिंग आईटी तो कितने परसेंट देखी दोनों आईआर ये लिखी 70% तुम कौटू आईटी 22% तुम मार्केटिंग 16% आईआर टोटल मिस देले 55% तो 8055% मोरे मोरे कैलकुलेसन हम 8050% के 4000 आउ 4005 मैंने 50% हो गला 5% मैंने डिवाइडेड बाय 10 मैंने 4000 आंसर हो गला ठीक है नेक्स्ट सफिशियंट वाला क्वेश्चन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द क्लास हैज सम बॉयज एंड गर्ल्स सी कोच क्लास रे केते लोग केते पिला अछन यदि क्लास रे खाली बॉयज और गर्ल्स अछन ओके ठीक अछि द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 10 क्लास रे 10 जन बॉयज अछन कोन टोटल फाइंड करि परबे कि नो या को धरी करि परबे द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 2 मोर देन ताले नंबर ऑफ गर्ल्स केते अछन 12 यदि मु दुईटा को नै जेबे ताले आंसर हि जो बोथ 1 इनटू 2 आर सफिशियंट ते फास्ट करे दउथिबे मे बी आई थिंक करदेजी बोली टी स्पीड हो जाए एडजस्ट करना है ठीक अच्छे जो डाउट हम ना मतलब पचारदेव मुझे एक्सप्लेन करदेवी ना द टेबल बिलो शोज डेली इनकम ऑफ 50% ओके 50% रो डेली इनकम दे लेस देन 300 12 जन लेस देन 350 26 जन लिखी ना क्यूमुलेटिव वालाटा देखो ना 12 जन आउ 14 जन होती तुम 350 मैं 350 रो 14 जन थे तो एमती लिखा हाउ मेनी परसेंट सर 300 रु अधिका 400 रु कम 300 रु अधिका अन 300 और मोर एटा लेस देन 300 तो 12 जन को छाड़ दियो तो बचला किए 14 जन आ लेस देन 14 8 के 22 सो आंसर इज 22 डायरेक्ट ठीक अच्छे ओके ये 34 देने मे बी पिला कन्फ्यूज होते बट नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंट 5 डिस्टेंट शॉप्स सोल्ड वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स इन अ स्पेसिफिक मंथ द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द सेल्स ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन इफ बोथ द नंबर ऑफ अम्ब्रेलास एंड द नंबर ऑफ रेनकोट सोल्ड बाय एफ कहीकि गोटे स्टोर 40% मोर देन दैट तो 40% यार 40% मोर यार 40% मोर तो यार 40% 2500 आर 40% साथ 1220 तो तार डिफरेंस पचाउत तार डिफरेंस के 70 हो ठीक अच्छे द पाइचार्ट एटा पाइचार्ट गोटे रेसीो मागिच कहार बॉयज एंड गर्ल्स अच्छा सॉरी 5 स्कूल्स तार दे ओके ठीक अच्छे आमको स्कूल स्टूडेंट परसेंटेज देपर बॉयज और गर्ल्स रेसीो भी दे ओके तो सी पचार द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द 5 स्कूल्स इज रिप्रेजेंटेड एज पाई चार्ट सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट देन बी रो सेंट्रल सेक्टर एंगल पचार ठीक अच्छे तो आम देखा रेसीो कौन अच्छी 3-4 परसेंटेज को परसेंटेज रही है फर्स्ट तो भाव कि सर ये तो टोटल नहीं करवा कमी भाई 100 जन मान 100% ना तो देख 3 जन गर्ल है 4 जन टोटल 7 जन तो 7 जन रिप्रेजेंट कर 28 7 जदि 8 ताले गोटे परसेंट मार कौन मैंने रेसीो रे गोटे के 4 हो गर्ल्स के 4-12 हो बुझिपाल तो मुझे कहली 3-4 मिस देते 7 जन से 7 जनटा के परसेंट 7टा हूँ 28% 1टा के 4 तो 4 हो तो मतलब कह 12% हो गर्ल्स ठीक अच्छे से ही भाया 3-2-5 5-3-15 ताले 3-2-6 से भाया 5-3-8 8-3-24 ताले 5-3-15 हो सेमती 6-6-36 हो देखु तो आमती 12 हो तो टोटल मिसेदे के 12-12-24 36 ए 51 हो यस 51 हो जाए तो ठीक अच्छे 51 बी रे के बी रे अच्छे बी रे कैसे अच्छा बी रे अच्छे 6 राइट 6 ठीक अच्छे 360 सरल कथा या कि बिकज 51 रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री हाँ कि नहीं 6 रिप्रेजेंट्स व्हाट सो कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन तुम्हें देख 3 काटदे 17 ना 3-2-6 36-72 720/17 720/17 गले 17-4 68 4-0 7-2-34 सो 42 डिग्री एंगल हो गला ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन सफिशियंट वाला क्वेश्चन 1/4 अच्छा से कही व्हाट विल बी द टोटल वेट फाइंड कर ऑफ 10 पोल्स आउ सब पोल सेम वेट अच्छे सब पोल सेम वेट अच्छे ठीक अच्छे 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 जदि गोटे पोल 1/4 5 है कितने के जी हम सी
20 केजी टोटल के 20 केजी इंटू 10 तो यू आंसर मिलगला से कह टोटल वेट ऑफ थ्री पोल्स तो समस्त सेम धर मु ए मानि थ्री ए इज इक्वल टू 20 केजी मोर दैन टोटल टू पोल्स टू ए हम तो इट विल बी ए इक्वल टू 20 केजी एठ भी आंसर मिलगला तो आईदर है या तो ये आंसर मिल जाव ठीक अच्छे 36 37 एक्सपोर्ट्स देसी आमुक पचार परसेंटेज इनक्रीज 2006 रु 2007 2006 देख 9.5 2007 11.4 बढ़ला के 1.9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9.5 तो 19.5 तो 5 माने 20% ठीक अच्छे डेसिमल कटिगला 19.5 होगा ओके नेक्स्ट ओके दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन टा देख मत जो कहते सर आंसर यार 29 and 45 भी आस 20 and 33 मुझे चेक कली बट सेंग सर 29 and 45 भी आसूँ ठीक चेक कर चेक करदे ये देख 50% कही तो इट विल बी लाइक हाफ एंड 45% 9/20 राइट सो व्हाट इट मीनस गोटे टकर प्रॉफिट 9 टकर प्रॉफिट इनकम 2 इनकम 20 तो बी इनकम फर्स्ट 2010 इनकम जदि देखा इनकम के 2 आ 2011 इनकम के 20 ठीक अच्छे अच्छा सी कह सरी सरी इट इज इनकम इज गिवेन एज 2 and 3 ठीक अच्छे तो सी जो दे 2 and 20 कौन 2 and 20 हूँ सी कह रेसीो प्रॉफिट रमी रहा है अच्छा मो हिसाब से देख मु 20 देखुची एटा को 3 देखुची तो मुझे कौन करते डायरेक्ट करने को चेस्टा कली मुझे कौन कहली जदि 20 तुम कौन इनकम तेल ये 3 दे 20 3 रलसीम के 60 हो तो मुझे कौन कल ये 20 मल्टीप्लाई करदी ये गोटे 20 मल्टीप्लाई करदी रेसीोर तो मल्टीप्लाई तो इट विल बी लाइक 40 इनकम है 60 इनकम ये हे ठीक अच्छे यहाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट जदि एमती है तेल इट इज हाफ हाफ मीनस 20 रुपीज रोर एक्सपेंडिचर हाँ दरकार ये सुन आठ एक्सपेंडिचर के दरकार 11 मान 11 दिए 33 एक्सपेंडिचर हवा दरकार तो 20/33 हूँ आंसर होता एमती देखने राइट ना जी 29 and 45 जो नॉर्मल वे जो 29 and 45 जो देखा तो 29 रुपीज खर्च 29 रुपीज खर्च मान इट विल बी लाइक 29 2 इनकम विल बी इट विल बी 58 राइट तो मैंने चेक कर मुझे चेक करदेवी ओके मुझे आ करूनी एटा टे चेक करदे है ठीक अच्छे ओके चलो नेक्स्ट को जीवा एंड यस क्वेश्चन नंबर 39 40 जीवा है यहाँ टे देखीद तुमने जदि से कह ना मुझे देखी कह ओके डिफरेंट फ्रूट्स देजी आम मानक एंड पचार जदि 1200 केजी फ्रूट्स अच्छे बनाना केजी सोल्ड नॉर्मल क्वेश्चन बनाना तुम्हें देख 30% तो 30% 1200 30% के 360 भारतीय 36 360 आंसर एंड 40th क्वेश्चन आंसर कहे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस ग्रेप्स ऑफ ऑरेंजेस डिफरेंस कहे तो ग्रेप्स ऑफ ऑरेंजेस केसेंट डिफरेन्स होती 5% तो 1200 5% के 1200 5% 60 केजी सो आंसर 60 केजी क्लियर नेक्स्ट 61st क्वेश्चन को आसवा यू कैन सी हियर सम पैंथर्स आर कैट दे सम पैंथर्स आर कैट हो गला ओके ऑल कैट्स आर मैमल्स ऑल कैट्स आर मैमल्स सम मैमल्स आर नॉट पैंथर सम मैमल्स आर नॉट पैंथर स्टेटमेंट रे देजी सम मैमल्स आर पैंथर ओबियसली सम मैमल्स आर पैंथर गिवन दैट सम पैंथर कैट ऑल कैट्स आर मैमल्स तले सम पैंथर आर मैमल्स हे जीव ना सम मैमल्स आर पैंथर फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकंड ऑल पैंथर्स आर मैमल नहीं ऑल कैट्स आर पैंथर ऑल कैट्स आर पैंथर देखा ना ऑल मैमल्स आर पैंथर एटा भी हमें सो आंसर विल बी ओनली वन फॉलोअर्स तो बहुत जन एटा ऑप्शन ए मार दीजन बुझीपाल कमी मार दे बट आंसर इज यार ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन दिबायव अच्छा अच्छा एपटर भी ये इंग्लीश रे दे कि यहाँ ओडिया दे बहुत जन पिला करदे ना यहाँ जब ओडिया दे था बहुत जन पिला ये खाली सबसिक्वेंट करेंगे क्वेश्चन को करदे ओके ठीक है देख मुझे लिखी लिखी चलती फॉर अ न्यू पासपोर्ट टू द क्लर्क ऑन मंडे आफ्टरनून नेक्स्ट डे वाज अ हॉलीडे ताले नेक्स्ट डे कौन ट्यूजडे हॉलीडे गला सो द क्लर्क क्लियर द पेपर्स इन नेक्स्ट वर्किंग डे माने वेडनेसडे को करदेला क्लियर सीनियर क्लर्क चेक डिट ऑन द सेम डे ताले वेडनेसडे को सीनियर डे क्लर्क चेक कला बट फॉरवर्डेड टू द हेड क्लर्क ऑन
The next day, that is Thursday. It is asking on which of the following days, code days, was the case put up to the head clerk? Head clerk, Thursday. Simple answer by the senior clerk. Next. Some desks are apartments, some desks are apartments, all apartments are cars, some cars are trucks, some desks are truck, some desks are car, obviously, some cars are apartments, yes, obviously, kind of all, jodi apartment car, tale some cars, to two or three, ekala, acha, no truck is a desk, truck desk ra pata nahi. तो ये दिजन कौन हो आईदर कहीं डेस्क ट्रक कथा कहे डेस्क ट्रक कथा कहे सम नौ कौन हुए आईदर हुए तो आंसर आम रही आईदर वन आर फोर ता सहित आम थ्री फोर आस ओके नेक्स्ट यहाँ बहुत सहज क्वेश्चन देख इ लिखी जी लिखी आई लिखी के लिखी समस्त पोजिशन लिखी देती पाँच सात नौ एगार दुई दुई डिफरेन्स चलचन तो एम तेर ओ पंदर सल एम तेर ओ पंदर ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देख इंटरचेंज वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर फिगर फिगर बनवा दरकार नहीं देख ये कहे इंटरचेंज तो बाली मोटी इंटरचेंज तो बालीर जगह को मोटी पड़े आसो मोटी जगह को किए पड़े आसो मोटी ना मोती जी भी हो बाली पड़े आसो तो बाली से कहे बाली विल बी फिफ्टींथ फ्रम द लेफ्ट तो बाली फोर्थ फ्रम द राइट थी तो फोर्थ फ्रम राइट फिफ्टींथ फ्रम लेफ्ट ओके द टोटल विल बी नाइंटीन बट टोटल पिला के नाइंटीन माइनस वन कहीं रिपीट हो अठर जन जो पिला से कहे मोटी पोजिशन रईट आड़े तो मोटी पोजिशन सेवेन थी फ्रम द लेफ्ट तो आम कौन कर अठर प्लस वन उन्नीस उ माइनस करदे सेवेन को तो बार हो आंसर यहाँ बहुत जन पिला भूल कर देते एगार मार देते कहीं सी अठर रु माइनस कर देते ये जिनस गोटे ध्यान रख नेक्स्ट अ वुमेन रिप्रेजेंट्स अ मैन एज द सन अ मैन टा किए तार सन अ मैन एज द सन अफ द ब्रदर अफ आर मदर तो ठीक अच्छे वुमेन रिप्रेजेंट्स अ मैन गोटे मैन को देखला हर मदर तो वुमेन्र मदर वुमेन र मदर र ब्रदर ब्रदर र सन हो से मैन ब्रदर र सन हो से मैन सेम जेनेरेसन भाई भौणी या तो कजिन हम आंसर विल बी कजिन डायरेक्ट है ना ये मैन रही ना मैन इज द सन कहार ब्रदर ता मदर र ब्रदर तो हर मदर्स ब्रदर र सन हो से मैन हर मदर्स ब्रदर मान हर मदर्स ब्रदर र सन हो से मैन तो मैन इज द कजिन ओके फेसींग अ मैन इन द आई नेरो सेड नेरो कौच योर सन ताले से मैन र सन मैन को देखी कौच ना से मैन र सन योर सन मैन सन इज माय सन्स अंकल ये किए मोर सन र अंकल तले मोर माने नेरू नेरू र सन र अंकल अंकल नर्माली किए हे भाई बापांकर भाई तो ये बापा नेरू बापा बापांकर भाई ये गला ये हला से पचार हाउ इज द मैन एजो मैन रिलेटेड टू नेहरू पचार मैन नेहरू रखिए नेहरू बापा ही जो आंसर हो फादर ठीक अच्छे बुझे तो मैन पचार मैन रिलेटेड टू द नेहरू ठीक अच्छे फेसिंग मैन आई टू आई योर सन बराबर मैन र सन ओके ठीक अच्छे दिस इज इट ओके नेक्स्ट 68 अच्छा यहाँ बस रिप्लेस कर लिखे 13 एडेड टू 102 पूरा सीरियल देख डिवाइडेड बाय 6 परसेंटाइल माने मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 41 ये तो देख 6 रे काटि देले केते हो जाउची 17 है ना 17 हो गला 17 दुने 34 हो गला 34 आ 13 मिस देले केते हो जाउची 34 13 47 आ 47 माइनस 41 केते 6 हो जाउ सो आंसर इज 6 वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइस काउंटिंग फिगर यार फिगर काउंट करियो 14 आसुची हैला तमे नॉर्मली जेतले सिंगल सिंगल काउंट करियो 1 2 3 4 5 6 6 टा हैला तापर डबल ट्रिपल सब नहीं जा छा है ये देख ये गला गोटे सतटा ये जो ये ये देखुच सतटा ठीक अच्छे ये गोटे होगा आठटा ओके आठटा हो गला एपट गोटे देख ये गला नौटा ठीक अच्छे एपट गोटे देख ये गला दसटा ओके ये गोटे होगारटा ये गोटे हो बारटा ओके बार ये गोटे तेर है ये गोटे चौदह चौदहटा हो गला ओके यहाँ मुझे गणेनि ये तुम मैंने गणी कहीदेव आंसरटा सतुरी कह रही आसे देखीद केते आस गोटे कहीदेव है 31st मार्क प्राइस ऑफ 30 मार्क प्राइस ऑफ 30 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 तो एमपी बाय एसपी केते हिजबा 4 बाय 3 4 टंगार जिनस को 3 टंगार बिकुछ गोटे टंगार ऑफ मिलला कहा पर 4 ऊपर 1 बाय 4 इज 25% वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स
एंड ही फेल्स बाई टे लंबा चलती से सेसन बोले मुझे भावुले डबल सेसन करदेवि बट चलो चलो सारद आए कर स्टूडेंट्स स्कोर 36% देख 36% फेल्स बै 32 मैंने पास होता आउ 32 रखी थे से भाई 48% अधिकार रखी 64 मैंने सो सल्व कल तुम जान 12% तुम देखी पार्स तो ये सल्व कर रखी तो 12% के 96 टोटाल 12% 96 तो टोटाल मार्क्स के 800 मार्क्स सी पचार तुम मानक सी पचार कि हि विल गेट अच्छा पासिंग परसेंटेज पचार तो परसेंटेज देख 36% आउ 32 दरकार तो 32 इज व्हाट परसेंट 32 इज 4% तो आंसर विल बी 40 या तो 64 काढ़ भी 8% माइनस कले भी 40 होना तो आंसर विल बी 40 तो ये क्वेश्चन को आसो मंथली इनकम 4:3 एक्सपेंडिचर 3:2 सेव सेम कर मो क्लास कराए ऑफलाइन क्लास रे एक्जाक्ट सेम क्वेश्चन कर मो पिला माने भी देखु से जानते हैं अच्छा मुझे कहीदेक चाहिए जो मैंने सीजीएल विजीएल अप्लाई कर सीजीएल अप्लाई तो ऑलरेडी कल तो स्टार्ट होलानी आज मुझे यार गोटे वीडियो डिटेल आज ये कल गोटे वीडियो दे पोस्ट प्रिपेरेशन को लेकिन है सीजीएल आउ सीजीएल मैच आरआई डिस्कशन मैच आरआई डिस्कशन मुझे डिटेल कहबी तुम मन को है आ गोटे वीडियो आनी स्पेशल तार वीडियो आनी ये ओडिया इंग्लिश तुम्हार जीएस कंप्यूटर है तुम मैथ रिजनिंग ये होगा तेणु गेट रेडी गाइस नयापल्ली तुमने मो सहित जॉइन करपर है तो 4:3 3:2 -1 हो गल तुम मैंने वन बराबर 6000 सी पचास टोटल सैलरी के 4,3,7,7,46 तो आंसर इज 42,000 बुझेल कि नहीं देख इनकम यार 4, 3 एक बराबर आम 6000 पाइल तो एक यार इनकम 4, 3 मिसिक के 7 बराबर के बुझेगा तो यू जदि तुम मैंने बेसिक धरी पार ना धरी पार तुम जानी जब भी आप क्लीयर करा चाहूँ तो कंप्लीट मैथ्स मोर जो प्लेलीस्ट अच्छी काइंडली वॉच दैट गाइस ओके फाइन पी वर्क्स 3 फास्ट क्यू तो क्यू जदि गोटे यूनिट काम कला पी के यूनिट काम कर तीन यूनिट पी क्यू टुगेदर वर्क्स 4 times आर रख ना तीन आउ एक मिसिक 4 तो 4 times मैंने आर के आर एक ही थी एक रारिगुणा तो थार रेसीो मांगी है ना 3:4 अरे वेज रेसीोटा कौन हम सेयार अफ अर्निंगटा कौन अर्निंग रेसीो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी 3:1 इज आंसर नेक्स्ट 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 मैन 12 days काम कर 20 वुमेन 10 days तो बाहर करेंगे तुम 12 men इज इक्वल टू 25 women तो मेन वुमेन रेसीो पाइल 25 आर है वर्क के 25 into 8 men 25 हूँ गोटे मेन 25 units ना 8 कर 25 into 8 के 12 days टोटल यहाँ वर्क डिवाइड बाय के जन करेंगे 12 men मैंने 12 into 25 प्लस 15 women मैंने 15 into 12 तो 12 into 25 के 250 300 प्लस ये 180 तो 480 डिवाइड हे तो ये करदे 12 करदे 12 44 40 8 5 40 5 5 25 तो आंसर विल बी 5 तो 75th रा आंसर होची 5 हैला सलाम ओके से रीजनिंग टा कहि दउची अटी धर्ज धतियो ना पुनी अलगा करबे म खाली गोटे कहि दउची तमे देखो एटा केते शॉर्ट रे देखो करि परबा सब गोटा चेक कर दउ मते लागो ठीक थिले कंडीशन देची सिलेक्शन पई हैला 6टा कंडीशन एटी ऊपर अछि फर्स्ट कंडीशन देखो 12th रे 60% दरकार मिनिमम ग्रेजुएशन रे 55% मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट रे 60% आ सीएबी मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स आ इकोनॉमिक्स वाला दरकार डिप्लोमा थी दरकार डिग्री और डिप्लोमा एज हवा दरकार 25-35 भितर कैलकुलेटेड ऑन एटा एटा भी गोटे अच्छी आउ 2 years एक्सपीरियंस रहा दरकार बैंकिंग ऑफिसर हैव सिक्योर्ड एटलिस्ट 40% पर्सनल इंटरव्यू है तुम्हें देख मुझे एक्सप्लेन कर सब क्वेश्चन आउतापर एक्सेप्ट जदि ये भितर कि गोटे थी मानने अलग ही थी लाइक तुम्हें एटलिस्ट 60% मार्क्स इन सीए और जदि इन द केस टू बी रिफर्ड एज तो जदि इमती स्पेशल केस रहा है इट विल बी रिफर्ड टू दिस ओके तुम्हें देख मुझे एक्सप्लेन कर आई थिंक हाँ ये हियर इट इज तुम्हें देख I2Y3I लिखी देस तो यहाँ तुमने बुझीपर आराम से तो नेहा स्लेव कथा गोटे बुझी दूसरी हाज बीन वर्किंग इन अ बैंक एज अ जर्नालीस्ट अफिसर फोर 4 years 5 अप्सन साटिसफाई 2 मिनिमम दरकार था ठीक अच्छे हर पोस्ट ग्रेजुएट इकोनोमिक्स 60% ये भी सैटिस्फाई 3 सैटिस्फाई होगा सी एज सिक्योर्ड 60% इन ग्रेजुएशन इन 12th दुटा कही तो I2Y दुटा जाक सैटिस्फाई होगा मैंने सेकंड सी वाज बॉर्न 24th August 1979 मैंने 25-35 भितर यस दिस सैटिस्फाइज ओके 79 तो के भूल कर दिले ना कौन
जस्ट ए सेकेंड गाइज, 25 रु कहि त 25 वर्ष होछ त, ओ माय गॉड 79 80 हाँ 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 हो 31 एज मु भाबिली एटा 89 भाबिदेली। अच्छा तो एटा ठीक अछि, एज बी सैटिस्फाई करिगला, सी हैज सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन द रिटन एंड 38% इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू रे 38% इन द पर्सनल इंटरव्यू। ओके एडी देखो तो माने एटा हियर इट इज, तो अबव बट सिक्योर्ड एटलिस्ट 65% मार्क्स इन द रिटन। देखो सी 70 रखी तेणु ये कनसीडर है, एंड एटलिस्ट 35% 38 रखी पर्सनल, तो यही केस रे प्रेसिडेंट रिक्रुटमेंट हम तेणु आंसर कौन हो यार। देखो गोटे सैटिस्फाई कर पारानी तो आंसर हो है, तो यही भाया मुझे सबूटा एक्सप्लेन कर देख सब गुटा लिखीदी साइड में, आई होप तुमने बुझीपार जोटा न जापर या जोटा भूल हो मतलब जनईदेव है, तो यहाँ हूँ कथा। आशा करा जो एक्सप्लेनेशन तुम मैं हेल्पफुल हो निहाती सेयर करदे थो बोले सेयर कले तुम हाथ पड़ोनी या लाइक कले तुम हाथ पड़ोनी, बट मत बेस भल लगे जो व्यूज अधिका जाए सो तुम ये सेसन। सो आशा करें सपोर्ट कर, थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग, जो मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे डू सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ।